हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे प्रश्न दिया गया है कि 48 का संबंध 122 लिखा है, तो उसी प्रकार से 168 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ईद के यहाँ पर जैसे कह रहे हैं यदि पी क्यू के पुत्र का भाई हो तो पी क्यू से किस प्रकार संबंधित, और यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो इस जगह पर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में स्टूडियो बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, टोटल 15 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। TCS और भी अलग अलग एजेंसी जो अभी कंडक्ट करा रही, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 432 है दोस्तों, जिससे इससे पिछले पार्ट 431 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर और कैसे करें इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP, टेक्नीशियन, UPSI, DFCCL, UP पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक, PO, क्लर्क, ग्रुप डी, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि वनस्पति विज्ञान का संबंध, यहाँ पर पौधे लिखा है, तो उसी प्रकार से कीट विज्ञान का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। वीडियो को पॉज कर लीजिए यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए, और जरूर कॉमेंट करके बताइए दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, तो जिस प्रकार से देखिए वनस्पति विज्ञान में दोस्तों हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, पौधे का करते हैं, तो उसी प्रकार से कीट विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, कीड़े का करते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके का प्रश्न, बस आपको तरीका समझना कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान में जिस प्रकार से पौधे का अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रकार से कीट विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, कीड़े का करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, यहां पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करने से हम लोगों का आंसर आ सकता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों 3 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 23 है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 95, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। 3 से यदि आप 7 पे जाएंगे दोस्तों, तो उसने क्या किया, ये देखिए गुना यदि आप 2 कर देंगे दोस्तों, 3 × 2 = 6, आप +1 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7। उसी प्रकार से 7 से 23 पे जाएंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे, देखिए 7 × 21, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। बस पैटर्न को समझिए क्या क्या और किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कुछ ना कुछ गुना करके ही लिखा है, इस प्रकार से देखिए पहले गुना 2 फिर गुना 3, तो अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना 4 और प्लस इस जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो 93 × 92 = 3 क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो देखिए अगला फिर दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, यानी कि अगला क्या गुना करेंगे, तो सर 5 कर देंगे, और प्लस क्या करना होगा दोस्तों, बेसिक बात को समझिए कि क्या होगा, यहाँ पर गुना 5 हो जाएगा, अब प्लस हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो 95 × 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इस जगह पर आप कर लीजिए कि 95 गुना क्या करना है सर, 5 करना है, तो 5 × 25 = 5, हासिल रहा 2, 9 × 5 = 45, और 2 जोड़ दीजिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो यानी 475 में 4 जैसे ही जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो 400 कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने, 79 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका समझना है कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाता है और किस तरीके से लॉजिक लगा रहे हैं।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, तो चलिए जल्दी से करके बताइए कि 48 का संबंध यहाँ पर लिखा है दोस्तों 122, उसी प्रकार से 168 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। तो चलिए बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों उसने 48 और इस जगह पर लिखा उसने 122 और यहाँ पर है दोस्तों समानुपात का चिन्ह और इस जगह पर लिखा है 168 और आगे है सर क्वेश्चन मार्क की क्या आएगा। तो चलिए देखिए लॉजिक को यहाँ पर देखिए क्या किया है कि जैसे 48 देख रहे हैं तो 48 को क्या किया है दोस्तों, यानी यहाँ पर देखा जाए तो 7 का स्क्वायर कर दिया, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 49 होता है। बस पैटर्न को समझिए कि 7 का स्क्वायर कर दिया और प्लस क्या कर दिया दोस्तों 1 कर दिया। देखिए 7 का स्क्वायर होता है हम लोगों के सामने, अच्छा अच्छा यहाँ पर माइनस करना होगा क्योंकि 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, इस जगह पर क्या करना होगा दोस्तों माइनस कर देना होगा। हाँ लॉजिक लग गया कि 7 का स्क्वायर होता है सर 49, 49 में जैसे ही एक घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जैसे करेंगे तो इस जगह पर क्या किया है 7 के बाद उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो 11 का उसने क्या कर दिया दोस्तों स्क्वायर कर दिया है, तो 11 का स्क्वायर और माइनस आपको इस जगह पर कितना करना होगा प्लस 1 करना होगा, तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और प्लस 1 कर दीजिएगा दोस्तों तो 100 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। बस तरीका को समझिए उसने क्या किया है, देखिए 7 के बाद यानी यहाँ से दोस्तों उसने 11 पे गया है यानी कि कितना का वृद्धि हुआ है तो 4 का वृद्धि। उसी प्रकार से देखिए ई किसका स्क्वायर है दोस्तों हम लोगों के सामने तो 13 का स्क्वायर है और 13 का स्क्वायर में से आप जैसे ही माइनस 1 कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में जैसे एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यानी कि यहां पर जिस प्रकार से 4 का ई 7 के बाद 11 हुआ यानी क्या हुआ है दोस्तों 4 का वृद्धि। उसी प्रकार से इस जगह पर देखिए आप घबराइए नहीं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ है, यहाँ पर जैसे उसने 7 के बाद देखिए हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 11 लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 13 के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा यानी 4 का वृद्धि हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 289 और प्लस क्या करना है दोस्तों 1 कर देना है, तो जैसे ही 200 प्लस 1 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 290 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आएगा दोस्तों 290 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, तो किस तरीके से आंसर किया हमने यहां पर बता दिया कि देखिए जैसे 7 के बाद यहां पर गौर कीजिए कि 7 के बाद उसने 11 लिखा है तो प्लस क्या किया दोस्तों 4 का वृद्धि। उसी प्रकार से यहां पर हम लोगों के सामने क्या हो रहा है दोस्तों 4 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि इस जगह पर क्या आ रहा है दोस्तों 4 का जैसे ही यहाँ पर वृद्धि कर दीजिएगा तो आपका 17 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हुआ है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ने से दोस्तों यानी आगे बढ़ने से पहले आपको एक बुक के बारे में बताएं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है तो अभी आपको घबराना नहीं, देखिए एक बुक के बारे में बताएंगे दोस्तों कौन सा बुक है किस एग्जाम के लिए दोस्तों, तो चलिए उसको देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बता रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का बुक के बारे में दोस्तों, तो यह बुक जो है चक्षु प्रकाशन का बुक निकाला गया है दोस्तों, इस बुक को आप जरूर परचेज कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यानी इस बुक की खासियत क्या है दोस्तों, यह बुक जो निकाला गया बिल्कुल एग्जाम पैटर्न जो आपका है उसी के अनुसार निकाला गया है और इस बुक के अंदर आपको सब चीज मिलेगा, 8 सॉल्व पेपर मिलेगा जो प्रीवियस में एग्जाम हुआ है दोस्तों, यहां पर देखिए उस डेट को भी मेंशन किया गया है। अभी बुक के अंदर में दिखाएंगे कि क्या क्या है, पहले फ्रंट को देख लीजिए कि यही बुक आपको परचेज कर लेना है अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को जरूर ले लेंगे दोस्तों। लोगो देख लीजिए, चक्षु प्रकाशन का बुक मार्केट में उपलब्ध है, ऑनलाइन भी है फ्लिपकार्ट अमेजन या आप प्रकाशन से लेना चाहते हैं तो उसका भी नंबर आपको सब चीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए इस बुक में क्या क्या मिलेगा दोस्तों, यानी देखिए 2500 प्लस आपको क्या मिलेगा दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्नों का, देखिए यहाँ पर सब चीज दिया गया है कि क्या क्या इसके भीतर में मिलेगा। प्रकाशन का नाम अच्छे से देख लीजिए, चक्षु यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल महिला हो पुरुष हो उसके लिए है दोस्तों यह बुक 2024 के लिए, एकदम नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार निकाला गया, जो सिलेबस में आपको दिया गया दोस्तों उसी के अनुरूप। इस बुक की खासियत क्या है थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखिए दोस्तों,
क्योंकि मार्केट में बहुत बुक है, बहुत सारा स्टूडेंट हमें कमेंट करते हैं कि सर हम किस बुक से पढ़ें, कि क्या तैयारी करें, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप चक्षु प्रकाशन का बुक ले लीजिए। और अभी बुक के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों का सिलेबस, यूपी पुलिस का सिलेबस जो जो दिया गया है, जैसे सामान्य ज्ञान यानी जीके, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों हिंदी, उसके बाद आएगा आपका मैथ आएगा, और क्या आएगा दोस्तों रीजनिंग, चार ही सब्जेक्ट से रहेंगे। और इसमें देखिए आपको सब चीज, इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या, आपको 8 सॉल्व पेपर मिल रहा है जो प्रीवियस में एग्जाम हुए हैं, और 15 क्या मिल रहा है दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। इसीलिए जरूर इस बुक को परचेज कर लेंगे दोस्तों। देखिए इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों देख लीजिए, और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम पर ले सकते हैं। तो देखिए जो जो आपके सिलेबस में दिया दोस्तों, यानी आपका जीके से जो आएंगे सामान्य ज्ञान से, उसका सारा चैप्टर का एक सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद सामान्य हिंदी में जितने भी चैप्टर उसका सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद हम लोगों के सामने मैथ का दोस्तों, और उसके बाद क्या हम लोगों के सामने रीजनिंग। तो यही चार सब्जेक्ट है। और देखिए बुक के अंदर में आपको क्या, ये तो चैप्टर हुआ, ये देखिए जो जो एग्जाम हुआ है दोस्तों प्रीवियस में जिस जिस डेट में हुआ है, सब चीज यहां पर दिया कि इस डेट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। और उसके बाद यहां पर क्या दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, यहां पर आपको 15 प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो पूछा गया दोस्तों, इधर के क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो पूछा गया है, यानी 27/1/2019 का जो हल प्रश्न पत्र है दोस्तों, इधर के किस प्रकार से एग्जाम आया, तो उसी के अनुरूप ये बुक है, तो आप जरूर ले लीजिएगा। इसके साथ साथ और भी बुक ले सकते हैं। तो देखिए इसके साथ साथ दोस्तों और भी बुक, जैसे कि चक्षु प्रकाशन का एक स्टडी गाइड निकाला है दोस्तों, ये देखिए इसको बता देते हैं, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, इसीलिए आप जरूर इस तरीके का, यानी इन दोनों जितने भी बुक देख रहे हैं, यहाँ पर कितना बुक है, ये देखिए 4 बुक है दोस्तों, ये कॉम्बो पैक है, तो आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट या प्रकाशन कहीं से भी ले सकते हैं, तो जरूर ले लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए स्टडी गाइड, यानी कि यहाँ पर है दोस्तों एक स्टडी गाइड है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद देखिए अगर आप स्पेशल लेना चाहते हैं कि हम सामान्य हिंदी का लेना चाहते हैं, तो किसका लीजिएगा, लोगों को देख लीजिएगा, चक्षु प्रकाशन जैसे रीजनिंग का है, सामान्य हिंदी का है, तो आप जरूर ले लेंगे दोस्तों। ये चारों बुक ले लीजिएगा तो आपका जरूर यूपी पुलिस निकल जाएगा, क्योंकि उसी के अनुरूप इस बुक को निकाला गया। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि पी क्यू के पुत्र का भाई है तो पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए यहाँ पर बताना है दोस्तों, भाई होगा, पुत्र होगा, पोता होगा, भतीजा होगा, कौन सा होगा। देखिए हमारे चैनल पे जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सारे आपके प्रीवियस पेपर के, जितने भी रिसेंटली एग्जाम, हाल ही के एग्जाम है 2021-22, सब तरीके के क्वेश्चन उपलब्ध है, इसीलिए आप जाके सारे पार्ट को देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि यदि P जो है Q के पुत्र, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, P जो है हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि Q का कोई क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो ठीक है, Q का हम लोग क्या कर लेते हैं, पुत्र कर लेते हैं। Q के पुत्र का क्या है दोस्तों, भाई है। यानी बता रहा है कि Q के पुत्र का क्या है दोस्तों, ये क्या है हम लोगों के सामने, भाई है। तो हमने बना लिया ये भाई है। तो कह रहा है कि P जो है Q से किस प्रकार संबंधित, देखिए से कहाँ से लगा है, कह रहा है कि Q से, तो Q से जो है इसकी कौन लगेगा दोस्तों, सीधा सा बेटा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र ही लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझ लिए किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं। उसने कहा कि यदि पी जो है क्यू के पुत्र का भाई है, तो पी जो है क्यू के पुत्र, यानी क्यू का कोई पुत्र है, उसका भाई है, तो उस पी क्यू से किस प्रकार संबंधित, ई भी क्या होगा दोस्तों, पुत्र ही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है, करे इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, वहां पर बताना, जो क्वेश्चन मार्क दिया है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसको इधर लिख लीजिए, ए है, उसके बाद के है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, यू, उसी प्रकार से इधर लिखा है सी एम, उसके बाद लिखा है भी, इसका संबंध लिखा है दोस्तों उसने डी एन, और क्या लिखा है एक्स। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो देखिए किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। सबसे पहले देखिए सी से यदि डी पे जाएंगे, एम से एन पे जाएंगे, भी से एक्स पे, तो उसी प्रकार से ए से जाएंगे, के से जाएंगे, और यू पे, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन मार्क है, तो पहले दूसरा वाला से ही चेक करना होता है। देखिए
सी से डी पे जाएंगे सीधा सा, इस जगह पर प्लस वन क्या है, एम से एन पे जाएंगे दोस्तों प्लस वन, बी से एक्स प्लस वन, किसमें ए बी सी डी में आप जानते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस वन, इसमें क्या कर देना दोस्तों प्लस वन, इसमें भी क्या प्लस वन, तो ए में कर देंगे बी, के में एक कर देंगे एल, यू में कर देंगे तो क्या हो जाएगा बी, तो बी एल भी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति आकृति के निकटतम समानता दर्शा रहा है। कहने का मतलब ये जो फिगर देख रहे हैं ये किस में दिख रहा है, ए में, बी में, सी में, डी में, किस ऑप्शन में दिख रहा है। निकटतम समानता का मतलब होता है हूबहू उसी के जैसा फिगर दिखना। तो देखिए यहाँ पर अगर गौर कीजिएगा तो पहला कभी नहीं हो सकता है, सी भी कभी ना हो सकता है, और उसके बाद देखिए डी तो हो ही नहीं पाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर आकृति बना है दोस्तों, इस प्रकार से बी वाला क्या होगा, सही होगा। तो बी वाला को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, क्योंकि आकृति बी सही हुआ तो बी किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सातवां नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या रहा है, प्रश्न चिन्ह पर कौन सा आकृति आएंगे, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए एक फिगर को पहले देखेंगे कि कैसे लिखा, उसके बाद इसको कैसे लिखा, उसके बाद इसको किस प्रकार से लिखा, तो यहाँ पर बताते हैं दोस्तों। ये देखिए सीधा सा अगर देखा जाए कि यहाँ से, हाँ 90 डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री इस जगह पर लिख देते हैं कि 90 डिग्री घड़ी के, यहाँ पर सब चीज लिख देंगे घड़ी के क्या दोस्तों, विपरीत दिशा में, हम लोगों के सामने क्या हो रहा है दोस्तों, विपरीत दिशा में घूम रहा है, यानी घड़ी के 90 डिग्री घड़ी के क्या, विपरीत दिशा में घूम रहा है, इस जगह से लिख देते हैं घूम रहा है, बस इतना सा बात आपको समझना होगा। ये तीर का निशान पहले यहाँ था, यहाँ से अब हम लोगों के सामने कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो 90 डिग्री देखिए घड़ी के विपरीत दिशा, उसी प्रकार से यहाँ के बाद देखिए यहाँ पर आ गया, तो अगला कहाँ पर आएगा सर, हम समझ गए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, और किस प्रकार से, यानी इस प्रकार से एक वर्ग बना लीजिएगा, और यहाँ पर जो 90 डिग्री लगाएंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हो जाएगा इस प्रकार से। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ए तो कभी हो नहीं सकता है, उसके बाद सी कभी हो नहीं सकता है, डी कभी हो नहीं सकता है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। बस तरीका समझ लीजिए किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न का आंसर कर दें। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने पार्ट कराया है सारे आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट के तौर पर, तो इसीलिए आप सारे पार्ट को जरूर देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने आठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है, जैसे खाना, पीना, जाना, हंसना। तो चलिए अब बताइए कौन सा भिन्न होगा, चलिए जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए खाना हो गया, पीना हो गया, हंसना हो गया, तो ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि ये सभी मुँह से, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हम लोगों का मुंह से होने वाला काम है, ये सभी क्या दोस्तों, मुंह से होने, यहाँ पर लिख देते हैं कि होने वाला काम है, लिख देते हैं दोस्तों होने वाला क्या काम है, यानी मुंह से, तो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, क्योंकि जाना यहाँ पर अलग हो जाएगा। देखिए खाना हो गया, पीना हो गया, हंसना, ये सभी क्या दोस्तों, मुंह से होने वाला काम, यानी मुंह से, माउथ से काम होता है, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, ये सभी मुँह का है, लेकिन जाना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर, चलिए हटाइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी सही होगा, क्योंकि खाना हो गया, पीना हो गया, हंसना हो गया, तो ये सभी क्या है दोस्तों, मुंह से होने वाला काम है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने नौवां नंबर क्वेश्चन दिया है, इसीलिए आपको बताया कि चैनल पे जाके दोस्तों सारे पार्ट देख लीजिए, अगर आपको फिर भी किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया दोस्तों, कथन और निष्कर्ष करा कि सभी मछलियाँ पक्षी है और कुछ मुर्गियाँ क्या है दोस्तों, मछली है। तो चलिए बनाते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी सभी मछलियाँ, तो इस जगह पर डायग्राम को बना लेते हैं, यानी जितने भी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, मछलियाँ,
यानी सारा मछली क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। तो इस जगह पर बना लीजिए सारा मछली हम लोगों का पक्षी, तो इस प्रकार से कर दिए। उसके बाद कर रहा है कि कुछ मुर्गियां क्या है दोस्तों, मछली। अच्छा, तो कुछ मुर्गियां यानी कि इस प्रकार, इस जगह पर ही लिख लीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों, मुर्गियां। इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुर्गियां। तो ठीक है सर, बना लिए इधर मुर्गियां। कुछ मुर्गियां क्या है, तो मछली है, तो यानी कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, उस साइड में चला जाएगा। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या कर और कैसे होगा। कह रहा है कि कुछ मुर्गियां पक्षी है, तो कुछ मुर्गियां जो है पक्षी, बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ हिस्सा देखिए मुर्गी का किस में गया है दोस्तों, पक्षी में गया है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कोई भी पक्षी मुर्गी नहीं है, तो क्या पक्षी का हिस्सा मुर्गी में गया है कि नहीं, गया है सर। और यहाँ पर कह रहा है नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। दूसरा निष्कर्ष गलत होगा। क्यों? यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी पक्षी मुर्गी, अरे कुछ पक्षी तो हम लोगों का मुर्गी है, और वो कह रहा है कोई नहीं है, इसका अर्थ गलत कर रहा है। तो ये वाला गलत होगा, केवल एक सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, ए क्या होगा, सही। ई हम लोगों का डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों, दसवां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ देखिए क्या लिखा है दोस्तों, गुना। तो सीधा जैसे पढ़े कि प्लस के जगह पर उसने कहा है गुना, तो गुना इस प्रकार से तीर देके लिख दीजिए। उसके बाद कह रहा है माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग, यानी जहां कहीं माइनस दिखेगा उसके जगह पर आपको भाग लेना है। उसके बाद कह रहा है गुना का अर्थ लिखा है भाग, यानी जहां कहीं गुना दिखेगा तो उसके जगह पर आपको, अच्छा, माइनस का अर्थ भाग और गुना का अर्थ प्लस। अच्छा, गुना का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, प्लस लिखा है, तो यहाँ पर हमने कर दिया इस जगह पर क्या है दोस्तों, प्लस। तो चलिए आगे बढ़िए। फिर कह रहा भाग का अर्थ माइनस, जहां कहीं भाग दिखेगा उसके जगह पर क्या लेना है दोस्तों, माइनस। बस जो इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 15, उसके बाद प्लस, तो प्लस के जगह पर उसने कहा है गुना, तो यहाँ पर गुना। फिर गुना का अर्थ लिखा है दोस्तों उसने प्लस, तो यहाँ पर 10। अब भाग का अर्थ उसने कहा है माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 15 गुना 9 करेंगे तो आपका हो जाएगा 135। अब प्लस हो जाएगा दोस्तों 10, अब माइनस क्या हो जाएगा, 5। तो इधर जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हम लोगों का क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 145। अब माइनस जैसे ही 5 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 140। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि उस संख्या को छांटिए जो नीचे दिए गए श्रेणी से संबंधित नहीं है, यानी यहाँ पर बताना है दोस्तों एक इनमें से क्या है अलग है, यानी श्रेणी से क्या है दोस्तों, संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, तो चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा है दोस्तों उसको लिख लीजिए 225, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 199। थोड़ा छोटा छोटा लिखना होगा, ही देखिए सीधा सा लिख लीजिए दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है। 225 का 25 कोमा, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 199, फिर कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों 184 कोमा, उसके बाद हम लोगों के सामने 175, फिर कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों 171 कोमा, उसके बाद लिखा है उसने 170। तो देखिए आप क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, यहाँ से आप देखिए सीधा सा जिधर अंक कम है दोस्तों वहाँ से चलिए। देखिए 170 से यदि आप जाएंगे दोस्तों 171 पे, तो उसने क्या किया है देखिए, 170 से यदि आप 171 पे जा रहे हैं तो क्या किया दोस्तों, प्लस वन किया है। उसी प्रकार से 171 से यदि आप 175 पे जा रहे हैं तो आपको कितना किया है दोस्तों, प्लस क्या किया, उसने 4 किया है। उसी प्रकार से देखिए अभी आप समझ जाएंगे कि क्या क्वेश्चन में दिया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, अभी तुरंत समझ जाएंगे। हमेशा कभी भी इस तरीके का रहेगा तो आप छोटे से जिधर से दिया है उसी प्रकार से चले। तो यहाँ से देखिए इस पे आएंगे हम लोगों के सामने कितना जोड़ा है, तो 175 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5, इधर 4, तो इस पे कितना जोड़ा है दोस्तों, 9 जोड़ा है। तो इस जगह पर हम लोगों के सामने कितना जोड़ना होगा आप समझ चुके हैं, और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या जोड़ना होगा तो समझ गए कि देखिए एक, उसके बाद एक का स्क्वायर है, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, तो अगला यहाँ पर आएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर, यानी क्या होगा 16 होगा। और अगला जो आएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, क्योंकि एक क्रम से स्क्वायर दिया है, यानी सीधा सा बात है कि इस जगह पर देखिए हम लोगों के सामने कितना आना चाहिए दोस्तों, यानी 16 जैसे ही जोड़िएगा तो इस जगह पर देखिए यहाँ पर जैसे 9 हो गया और यहाँ 16 जोड़ेंगे
तो हो जाएगा 6 4 10 करी 0 हम लोगों का, यानी यह गलती कहाँ है था पता चल चुका है कि गलती जो है इस जगह पर है दोस्तों 199 में आपका क्या है गलती है, यानी 16 जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 200, तो यही गलती है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका समझिए यहाँ पर, यानी वर्ग करके जोड़ा है, सब क्या है दोस्तों वर्ग है, उसी प्रकार से देखिए वर्ग यानी क्रम से वर्ग करके जोड़ा है, यहाँ पर एकदम क्रम से क्या क्या दोस्तों वर्ग करके जोड़ा है, सब देखिए वर्ग है, तो एक क्रम से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इस तरीके से हुआ है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले आकृति का संबंध दूसरी आकृति से है, तो उसी प्रकार से तीसरी आकृति का संबंध क्या होगा, यानी तीसरा वाला का पूछा जा रहा है, कहने का उसका मकसद है कि पहला आकृति को इस प्रकार से दिया है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा और कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक लगाइए, उसने क्या किया है, जब पहला आकृति को देख रहे हैं कि अगर तीर का निशान यानी कि ई, देखिए यहाँ पर जो दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि ग्रेटर देन जैसे दिया है इस प्रकार से, तो उसने यहाँ पर देखिए इसको क्या किया है दोस्तों पलटा कर लिख दिया और डबल आकृति कर दिया, बस बेसिक बात को समझिए कि उसने क्या किया है तीर को क्या किया दोस्तों पलटा दिया इस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ पर तीर इधर से है तो क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से हो जाएगा, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा इधर से हो जाएगा, यानी हम लोगों का यहाँ पर जैसे कि उसने ग्रेटर देन था तो उसको क्या कर दिया लेस देन, उसी प्रकार से यहाँ पर लेस देन है तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये, यानी यहाँ पर देखिए बड़ा चिन्ह था तो उसको छोटा किया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर छोटा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों बड़ा हो जाएगा, यानी इस साइड से हो जाएगा और इसी में क्या हो जाएगा दोस्तों डबल आकृति इस प्रकार से हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा डबल आकृति इस प्रकार से, तो किस ऑप्शन में दिया गया ऐसा, ए तो कभी हो नहीं सकता है, बी कभी हो नहीं सकता है, डी कभी हो नहीं सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कौन सा आंसर होगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि तीसरा आकृति का संबंध चौथा निकल चुका है, इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंधों को सार्थक क्रम में, कह रहे देखिए ये प्रश्न अभी तक हमारा 3-4 सेट में रिपीट कर चुका है, पहले बीज होगा कि मिट्टी होगा कि पहले फल होगा कि पुष्प होगा पौधा होगा, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है हम लोगों के होना क्या जरूरी है दोस्तों मिट्टी का होना जरूरी है, यहाँ सीधा सा सवाल है कि सबसे पहले क्या होगा दोस्तों मिट्टी होगा, तो इस प्रकार से मिट्टी होगा, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा 3 से होगा, तो ये बात तो क्लियर है कि कहाँ से स्टार्ट होगा 3 से, और 3 से देखिए ऑप्शन को भी एलिमिनेट करेंगे, ये नहीं कि बस गधा की तरह चलते रहेंगे तो फिर नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है, 3 से मिट्टी में आप क्या करेंगे दोस्तों, आप जानते हैं कि उसके बाद हम लोग बीज रोपते हैं, तो मिट्टी में क्या हो जाएगा दोस्तों बीज हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का 3 के बाद क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा, तो 3 के बाद देखिए 1 इसमें भी नहीं, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही हो गया, बस देखते ही आप आंसर कर लेते, इसमें कोई बड़ी असुविधा वाली बात ही नहीं था कि आप कैसे करते, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मिट्टी हो गया बीज हो गया उसके बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों पौधा होगा, यहाँ पर लिख भी देते हैं क्या होगा पौधा होगा, पौधा के बाद हम लोगों के सामने हो जाएगा पुष्प, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों पुष्प, और पुष्प के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों फल आ जाएंगे, तो यहाँ पर फल हो जाएंगे, तो इस प्रकार से होगा, यानी कि 3 1 उसके बाद 4 उसके बाद 5 और ई क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, इस जगह पर क्या आएगा देखिए पौधा उसके बाद पुष्प 2 नंबर और फल फल हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 5 आखिरी में, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देखिए कथन और अनुमान वाले, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न स्किप कर देते हैं क्योंकि होता ही नहीं सर क्या करें गलती हो जाता है हमसे, तो आपको सीखना होगा समझना होगा देखना होगा कि कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, करा कि गांव में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए कहाँ शहर में बस रहे हैं, तो ठीक है कथन को हमेशा सही लेना है कि कह रहा है कि गांव में रहने वाले कई लोग यानी बेहतर भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं शहर में बस रहे हैं, तो ठीक है अब अनुमान देखिए कह रहा सरकारी अफसरों की गाँव में अनिवार्य नियुक्ति होनी चाहिए, अभी देखिए हम लोगों को वहां पर क्या पूछा है गाँव में रहने वाले लोग अपने भविष्य के लिए शहर में बस रहे हैं, तो इस सरकारी अफसरों का
यहाँ पर क्या जिक्र कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, इससे तो कोई मतलब ही। अनुमान को देखिए किस तरीके से हम लोग सही और गलत करते हैं, ये बात आपको सीखना होगा, इसीलिए आपसे गलती होता है। फिर कह रहा है कि शहरों और गाँव के मध्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि होना चाहिए। देखिए परिवहन तो वहाँ पर कहीं है, परिवहन के बारे में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, ये दोनों गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक ना तो दो, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन कीजिए। कह रहा है कि दिए गए समूह में अविषम की पहचान करें। विषम का मतलब होता है चार में से तीन समान एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। देखिए बताते हैं कि जैसे डी से यदि आप ई पे जा रहे हैं तो उसने क्या किया दोस्तों, डी के बाद यानी कि ई होता है तो प्लस कितना का वृद्धि, वन का। कभी भी इस तरीके अल्फाबेट वाले आए तो पहले यही लॉजिक, अगर ये लॉजिक फेल हो जाएगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों हम लोगों का भावेल और कॉन्सनेंट में। तो यहाँ पर देखिए ई से यदि आप बी पे आएंगे दोस्तों, देखिए जो तरीका आपको बता रहे हैं हमेशा आप इसी पर चलेंगे कि इस प्रकार से ही ई से यदि बी पे आएंगे दोस्तों तो आपके सामने कितना लेटर उसने किया है, तो तीन लेटर का कमी किया है। उसी प्रकार से यदि आर के बाद यहाँ पर टी पे गया है तो आर से टी पे जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस कितना किया है दोस्तों, उसने दो किया है, और टी से यदि इस पे आ रहे हैं तो हम लोगों के सामने माइनस क्या कर दिया है दोस्तों, चार कर दिया। उसी प्रकार से एच के बाद आई यानी कि प्लस वन, और आई से जा रहे हैं एफ पे तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, माइनस तीन। उसी प्रकार से एन से ओ पे जाएंगे तो प्लस वन, और ओ से यदि एल पे आएंगे दोस्तों तो माइनस तीन। किसमें ए बी सी डी में आपको सोचना है कि देखिए लेटर का कमी वृद्धि क्या है, तो सीधा सा आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि वहां पर प्लस दो और माइनस चार के बाकी सभी में देखिए प्लस वन माइनस तीन प्लस वन माइनस तीन प्लस वन माइनस तीन यानी प्लस वन और माइनस थ्री इस प्रकार से चला है। तो यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगर ये लॉजिक फेल हो जाता तो भावेल कंसोनेंट देखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादातर केस में ये इस तरीके का जो सवाल दिया इसी टाइप में पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।